शोर शराबा शुरू कर दिया कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मुझे उन्होंने सबके सामने थ्रेट किया, उनकी तरफ से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए, जिस पर मैंने उनसे कहा कि आपकी वालदा मेरी उस्तानी और आपकी इस किस्म की जबान को देख के मुझे ना आपको शर्मानी चाहिए। तलखला में भी उन्होंने मुझे कहा आप यहाँ से निकल जाए। मैंने कहा जी आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ या आप निकल जाऊँ, कोई तरीका नहीं। आज सिंध काबीना के अलविदाई इजलास में ऐसा वाकया हुआ जो इससे पहले सिंध की तारीख में या काबीना इजलासों की तारीख में न कभी देखने को मिला न सुनने को मिला। हुआ यूं कि आज जैसे ही इजलास जारी था काबीना का, तो बीच में सूबाई वजीर सेहत ने शिकवा करना शुरू कर दिया निगरान वजीर आला जो कि जस्टिस भी रह चुके मकबूल बाकर को, कि आपने मुझे बड़ा नज़रअंदाज किया, ऐसा सेक्रेटरी रखा जिसने कभी भी मुझे घास नहीं डाली। उस दौरान जो है तलख कलामी का एक नया सिलसिला शुरू हुआ जहां पर जो है निगरान वजीर आला ने उनको ये कहा कि आप जिस तरह का लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं क्या आपको आपके घर वालों ने यही आदाब सिखाए जो कि आप यहाँ पर फरमा रहे हैं, जिस पर जो है ये एक जो निगरान वजीर आला को जो है वो वजीर सेहत ने एक अंग्रेज़ी में जुमला बोला जिसे अंग्रेज़ी में हम अगर उर्दू में तर्जमा करें तो वो गाली है। उसके बाद जो है दोनों जो है उन्होंने कहा कि मैं आपको देख लूँगा, उसने कहा मैं आपको देख लूँगा। इस दौरान दोनों अपनी नशस्तों से बाकायदा उठ गए लड़ने के लिए और एक दूसरे के दस्तो गरेबा होने के लिए, और इस दौरान जो है जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाए और गरेबानों तक आए तो जो सिक्योरिटी के अहलकार थे या बाकी जो काबीना के लोग थे वो उन्होंने जो है वो उनका बचाव करवाया और जो है मुख्तलिफ सेक्रेटरीज जो हैं या वज़रा वो एक तरफ चले गए वज़ीर आला को बचाने के लिए, क्योंकि ये था कि जिस तरह हाथ बढ़ाया था जो है वज़ीर सेहत ने तो इम्कान यही था कि उसे खासी चोट आनी थी वज़ीर आला सिंध को, लेकिन इस दौरान जो है बीच बचाव हो गया और वज़ीर आला सिंध को सिक्योरिटी के शहर में वहाँ से जो है आधे ही इजलास में जो वापस अपने ऑफिस में ले जाया गया। इस बात की तस्दीक जो है वो मुख्तलिफ वज़रा और सेक्रेटरीज ने भी की है कि ऐसा वाक़या हुआ, जबकि हमने इस सिलसिले में जो सीएम हाउस के ज़राए हैं उनसे भी राबता किया तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि ऐसा वाक़या हुआ है और एक दूसरे को खासी सुनाई गई है इजलास में और बहस तलख भी हुआ है, यानी गालम गलोच तक मामला चला गया और इस हद तक चीज़ चली गई कि जो है वो आखिर वो जो एजेंडा था वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। और ये हुआ पहली मरतबा है कि सिंध काबीना का इजलास झगड़े तलख कलामी एक दूसरे को जो है वो धमकियां देने और एक दूसरे के दस्ते गरेबा यानी गरेबानों तक हाथ डालने तक वाला वाकया कभी नहीं हुआ। तो इससे ये लग रहा है कि निगरान हुकूमत के जो वज़रा और वज़ीर आला थे उनका जो है आपस में शायद पहले से नहीं बनती थी और ये आखिरी वक्त था, शायद वज़ीर सेहत ने समझा कि ये मौका है कि वो अपना हिसाब बराबर करें। शोर शराबा शुरू कर दिया कि आए तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, दुनिया जानती है क्योंकि मैं मुझे उन्होंने सबके सामने थ्रेट किया, उनकी तरफ से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए, जिस पर मैंने उनसे कहा कि आपकी वालदा मेरी उस्तानी और आपकी इस किस्म की जबान को देख के मुझे ना आपको शर्मानी चाहिए। और उसमें हमारी गए मुझे कहा यहाँ से निकल जाए। मैंने कहा जी आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ या आप निकल जाऊँ, कोई तरीका नहीं। बैठ इतनी सी बात थी, बात यह है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। क्रिटिसिज्म लेने का बड़ा दिल चाहिए इंसान, तरक्की जो है ना वो इस ये ऊपर से चीज़ों पे मिट्टी डालने से या कवर करने से या बड़ा अच्छा रैपर लगाने से अंदर वाली चीज़ अच्छी नहीं हो जाती। हमें ये समझना चाहिए बहसियत कौन कि हमें क्रिटिसिज्म लेने की हिम्मत होनी चाहिए कि हमारे जो गलत काम है वो गलत काम है यार, मतलब गलत इन द सेंस कि हम जो चीज़ नहीं कर सके वो हमारी नाकामी है। मैंने आप लोगों से शुरू से कहा हुआ था कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो मैटर्स हेल्थ डिपार्टमेंट के थे वो हेल्थ इंश्योरेंस थी और ऑटोमेशन थी, और उसमें हमें वहाँ से तो कोई मदद नहीं मिली।
फाइनली समरी दोबारा वहां से आई, वापस होके उसमें सवाल उन्होंने रेस किए, उस सवालों के जवाब दे के ऑलरेडी मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिया सारे सवाल के जवाब। अब वो यहाँ से जाएगी, जाती दोबारा उस पर बहस होती है, एक दफा बहस नहीं। ऑटोमेशन का सिस्टम आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो उसके अंदर इश्यूज थे।